हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अन एकेडमी। सो गाइस, एमएस मुस्तफ़ा हियर। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल साइंस गाइस कवर कर सकते हैं अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखो, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना इतनी बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बस आपको जुनून होना चाहिए। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हों, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हों, आप बैंक की तैयारी कर रहे हों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, व्हाटएवर कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे UPSC हो, नीट हो, IIT हो, किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की या फिर किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि उसका सिलेबस क्या है। राइट, आपको अपनी अपने प्लस पॉइंट देखने हैं, अपने पॉजिटिव पॉइंट देखने हैं, अपने निगेटिव पॉइंट देखने हैं, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपके क्या हैं वो देखने हैं, कहाँ कहाँ पर आप वीक हो, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ऐसा तो कुछ नहीं है गाइज, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बट इट इज़ इम्पॉसिबल वैन वी डोंट ट्राई एज मच। कुछ भी असंभव नहीं है, असंभव तभी होता है जब हम ठीक से प्रयास नहीं करते। एंड द पास्ट यू कैन नॉट चेंज, बट फ्यूचर इज स्टिल इन योर हैंड। जो बीत गई सो बात गई, जो पहले की बात जो निकल चुकी है, जो पास्ट आपका जो बीत चुका है। मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम आपने दिया, आपने 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया या 12th क्लास का एग्ज़ाम दिया, या आपने ग्रेजुएशन किया, मान लीजिए उसमें आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं बन पाई, या फिर आपने कोई भी और एग्ज़ाम दिया SSC या रेलवे का और उसमें भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, तो वो पास्ट आपका हो चुका है, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, वो तो निकल गया। लेकिन फ्यूचर अभी भी आपके हाथ में है, फ्यूचर इज स्टिल इन योर हैंड। तो अभी भी आप मेहनत कर सकते हो, आप पूरी ताकत लगा दीजिए। पहले सिलेबस को समझिए क्या क्या, जैसे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो SSC में आपकी तीन चार मेन चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स होती है, रीजनिंग होती है, साइंस होती है, एंड GK GS हो गई और इंग्लिश हो गई। या फिर अगर आप रेलवे की तैयारी करें तो मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गई और आपकी जनरल अवेयरनेस हो गई, जनरल साइंस हो गई, उसमें GK GS हो गई। तो इनको समझना ज़रूरी है। पहले या तो आपको सिलेबस देखना है कि सिलेबस क्या क्या आ रहा है, उसमें क्या सिलेबस है और कैसे हम उसकी तैयारी करनी है, तो उसका बेसिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं SSC नॉन टेक्निकल कैटेगरी में, आप मुझे अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस पढ़ा रहा हूँ। मेरे अभी न्यू बैचेज आए हैं, सुबह 8:30 बजे बेसिक मैथ्स की क्लास होती है, एडवांस मैथ्स की क्लास 10 बजे होती है और बीच बीच में स्पेशल क्लासेज में रीजनिंग एंड साइंस भी कवर कराते हैं। जैसे आज इंद्रधनुष चैनल पे, अन अकेडमी का इंद्रधनुष चैनल है, उस पर मेरी साइंस की क्लास होने वाली है, जहाँ पर हम फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप मुझे ज्वाइन कीजिएगा इस। अगर आप मैथमेटिक्स में बिल्कुल जीरो है, मैथमेटिक्स आपको समझ में नहीं आता है, या फिर आप किसी भी एजुकेटरी क्लास में जाते हैं वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा है, या वो थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ा रहे हैं, तो आप मेरी क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा इस। ट्रस्ट मी, आप 2-3 दिन अगर क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको मैथमेटिक्स समझने आने लगेगा, ऐसी रीजनिंग और साइंस भी आपको समझ में आने लगेगी। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए मेरे क्लासेस गाइस। और इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पर आते हैं, अनअकैडमी में मेरी डेली 4 से 5 घंटे की क्लास होती है, तो अनअकैडमी में अभी गाइस एक ऑफर भी चल रहा है, 16 सितंबर तक एक ऑफर है, अभी आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये ऑफर जो है वो 16 सितंबर रात 12 बजे तक है, तो आज ऑलरेडी 13 हो चुकी है, तो 13, 14, 15, 16, 3-4 दिन है आपके पास, तो इस ऑफर का लाभ उठाइए। 20% डिस्काउंट अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है SSC के नॉन रेल SSC नॉन टेक्निकल एंड रेलवे एग्जाम के प्रिपरेशन में। आप मेरा रेफरल कोड वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मुस्तफ़ा MUSTFAA, तो इसका लाभ उठाइए। और गाइज एक बार जुड़ के देखिए आप, अगर अब तक आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई है, अगर आपको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही है, रीजनिंग समझ में नहीं आ रही, साइंस समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे ज़रूर ज्वाइन कीजिए गाइज। और अभी अनअकैडमी पर ऑफर भी चल रहा है आपका 20% डिस्काउंट का, तो ये 20% डिस्काउंट का आप लाभ उठा सकते हैं। तो ज़रूर जुड़िए, 16 सितंबर से पहले पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, रेफरल कोड मुस्तफ़ा MUSTFAA। चलिए लाइव सेशन में मिलेंगे गाइज, थैंक यू सो मच।